हाय बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। बड़ा ही डिमांडिंग है एंड आई कैन से कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में शायद एवरेज बच्चे तो सोचते ही नहीं है। दोज हु आर गुड परफॉर्मर्स, दोज हु आर विलिंग टू परफॉर्म बेटर, इवन दे आर एवरेज और बिलो एवरेज एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे अच्छा करना है, वही इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं। जनरली देखा गया है कि एक बड़े स्टेट में भी इससे बहुत बच्चे नहीं होते। किसी एक टाउन को पिक कर लीजिए, किसी सिटी को पिक कर लीजिए, यू विल गेट हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम। और इस एग्जाम का नाम है केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन देगा अगर आप क्रैक करते हो तो। कई बार हम लोग को हमारा पीयर ग्रुप, हमारे घर वाले, रिलेटिव्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एग्जाम बच्चा दे और उसमें क्रैक करे। सपोज करो मैंने मैथ्स लिया, तो मैथ्स लेने के बाद एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं आईआईटी जेई क्रैक करूं, जेई निकालूं। अफकोर्स बहुत बड़ा एग्जाम है 12th लेवल का। अगर मैं बायो लिया तो सबके मन में इच्छा होती है कि डॉक्टर बन जाए बच्चा, और खुद हमें लगेगा कि हम डॉक्टर बनना चाहिए बिकॉज बायो ग्रुप का बढ़िया एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, करियर सिक्योर कर देता है। बट यार किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती घर वालों की, और सिमिलरली 10वीं क्लास में एनटीएससी होता है। तो मुझे लगता है कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। राइट फ्रॉम क्लास 11th ही आप इसको देख सकते हो और कर सकते हो, जो इजी भी है 11वीं क्लास में। और मैं सारे उन बच्चों से जो अपनी लाइफ में बढ़िया करना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हालांकि थोड़ा अपने आप को प्रूव करना कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं प्रूव करने की क्या जरूरत। तो कई कई बार हमें एक पुश चाहिए होता है, हमें किक चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो ये मोटिवेशन और किक ये केवीपीवाई देगा आपको। ये बताएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी आप हार्ड वर्किंग है। आप बड़े से बड़ा एग्जाम, टफ से टफ एग्जाम दे सकते हैं एंड बिलीव मी, एग्जाम बड़े फायदे का है। केवीपीवाई स्कॉलर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपके सीवी पे अगर केवीपीवाई स्कॉलर लिखा हुआ है तो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। मैंने ये भी सुना है कई कई बड़ी कंपनीज केवीपीवाई फिल्टर लगा के उस बच्चों को वेटेज देती हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेज आपको वेटेज देंगे, और मॉनेटरी रिवार्ड स्कॉलरशिप तो है ही। खास तौर पे उन बच्चों के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइंस में अपना करियर चाहते हैं, साइंस में रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता। तो चलो जानते हैं इसके बारे में है क्या, केवीपीवाई के बारे में डिस्कस करते हैं। अब केवीपीवाई में अगर हम देखें, ये जो थोड़ा बहुत डिटेल आप केवीपीवाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप हुआ, तो आपको पता है दिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1999, यानी आज के 22 साल पहले, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इनकरेज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बेसिक साइंस टू टेक अप रिसर्च करियर इन साइंस। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर करियर इन रिसर्च। बेसिकली रिसर्च को मोटिवेट करना है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के प्रोग्राम होते हैं उस पर यह बेस्ड है। दिस प्रोग्राम एम्स टू असिस्ट द स्टूडेंट टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड इंश्योर दैट द बेस्ट साइंटिफिक टैलेंट इज ग्रूम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। जेनरस फेलोशिप एंड कंटीजेंसी, फेलोशिप आपको अच्छा मिलेगा, कंटीजेंसी हर साल कुछ ना कुछ मिलेगा। ग्रांट आर प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड केवीपीवाई फेलोज अप टू द प्री पीएचडी लेवल और 5 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो 5 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद कई कई बार नोडल एजेंसीज गवर्नमेंट की आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं प्रोग्राम करने के, रन करने के लिए, और कई बार आप लोग के लिए कुछ वर्कशॉप भी लगवाई जाती हैं, उसके बारे में बताया गया है। और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कराता है, जिसकी रेटिंग नंबर 1 है इस टाइम यूनिवर्सिटीज में इंडिया में। अब आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, पीछे आ गए। फेलोशिप क्या है, थोड़ा सा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, मॉनेटरी मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, इज ऐसा माना जाता है कि 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, SA, SX, SB। एस ए होता है 11वीं वाले बच्चों के लिए, SB होता है 12वीं वाले बच्चों के लिए, SB होता है SX, और SB होता है पास्ट बच्चों के लिए। ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ BSc, BS, BStat, BMaths, मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड में MSc एंड MS, 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, कंटीजेंसी एनुअल 20,000। उसके बाद
डूइंग एमएससी एंड फोर्थ टू फिफ्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी 7,000 होता और कंटीजेंसी पर एनम आपका बढ़ के हो जाता 28,000 पर एनम। ये हो गया जो काफी अच्छा है। एलिजिबिलिटी क्या है? केवीपीवाई फेलोशिप इज आर गिवन टू इंडियन नेशनल टू स्टडी इन इंडिया स्टूडेंट इंटेंडिंग टू परसुइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम करेस्पॉन्डेंस। ये वैलिड नहीं है, यहां पे इनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। स्ट्रीम ऐसे क्या है? ऐसे होता है जो बच्चे 11वीं क्लास में और वंस दे आर सेलेक्टेड एज ए प्रोविजनल केवीपीवाई फेलो मोर एवर द फेलोशिप ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर स्कीम विल बी एक्टिवेटेड ओनली इफ दे ज्वाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस। ये सारे हैं इन द एकेडमिक ईयर इतना 23-24 में, इस साल की बात कर रहा हूं, तो जो 11वीं वाला बच्चा होगा 23-24 में ही जाएगा। हैविंग सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कम है, एग्रीगेटेड मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट इन द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड ऑफ वन ईयर दे विल बी इन्वाइटेड फॉर द नेशनल साइंस विद जोसी कैंप एंड द ट्रेवल एक्सपेंसिस लोकल हॉस्पिटलिटी वगैरह उनको केबीपीवाई की तरफ से दी जाएगी। तो 60% जो एलिजिबिलिटी है बहुत ही नॉमिनल एलिजिबिलिटी है, जो एग्जाम इसको क्रैक करेगा उसके लिए बहुत छोटी चीज होती है। सिमिलरली स्ट्रीम एसएक्स क्या है? ये 12th वाले बच्चों के लिए सेम बातें ये हैं, ये 22-23 में जाएंगे इनके लिए भी वही सिचुएशन है। और एसबी वाले बच्चों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे या लेने वाले होंगे एडमिशन, उनके लिए एग्जाम है ये। तो ये तीन टाइप का फेलोशिप हो गया केवीपीवाई का, जो मुझे लगता है आप मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे। एप्लीकेशन ऑफ केवीपीवाई जो आजकल जारी हुआ है, अभी जुलाई फर्स्ट वीक के आखिरी में जारी हुआ है, 12 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन 12 जुलाई से स्टार्ट है, 25 अगस्त तक का इसका क्लोजिंग डेट है, 7 नवंबर इसका एग्जामिनेशन है। रजिस्ट्रेशन आप kvpy.iisc.ac.in पे जाके केवीपीवाई पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर्सनल डिटेल ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दिया, थोड़ा सा बता दूं 1250 इज फी फॉर द जनरल एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 625 रुपी फीस। ये हो सकता है आपके पास विजिबल ना हो स्क्रीन पे, या विजिबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिया, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दो टेस्ट होते हैं इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक साइंस पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, और ये 7 नवंबर को होगा। एडमिट कार्ड इसका कब इशू होगा वो वेबसाइट पे 2nd week of October से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, वो भी थोड़ी देर में बता दूंगा। एप्टीट्यूड में जितना बच्चा क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू के लिए जाता है। हालांकि एक बार आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो इंटरव्यू के लिए चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि जनरली 3,200-3,400 बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं एंड आउट ऑफ दैट 2,500 बच्चे फाइनली सिलेक्शन होता है, इंक्लूडिंग ऑल वेटिंग लिस्ट। जनरली वेटिंग लिस्ट वालों को भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। और प्रिविलेज, ईच केवीपीवाई फेलो विल बी इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड सो एज टू हैव एक्सेस द नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटीज हु हैव एग्रीड टू एक्सटेंड स्पेशल प्रिविलेज लाइक लाइब्रेरी लेबोरेटरी फैसिलिटी ईटीसी टू केवीपीवाई फेलो ऑन प्रोडक्शन ऑफ द आई कार्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा एक पावर होगा आपके पास। अवर गोल, वी होप दैट अवार्ड ऑफ द फेलोशिप टू अ स्टूडेंट एक्ट्स एज एन इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू टेक अप रिसर्च इन अ सब्जेक्ट इन बीएस बेसिक साइंस और देयर लाइकिंग एंड इंक्लूड द स्टूडेंट टू चूज अ रिसर्च करियर। तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली विश है, विल है कि बच्चे हमारे जो मोटिवेटेड बच्चे हों, टैलेंटेड बच्चे हों, वो साइंस को अपना करियर बनाए। उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट? आपको पता है देयर इज नो प्रिस्क्राइब सिलेबस फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज एम टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट दैट हिज हर फैक्चुअल नॉलेज। However, students are tested for the syllabus up to class 11, 10th, 12th, first year of BSc, BS, MS as applicable. Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, equal marks, 11वीं की बात कर रहा हूँ। सबसे आसान तरीका होता है अगर आप 11वीं में क्वालिफाई करते हो। अगर आप 12वीं में जाओगे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। टू क्वालिफाई KVPY, 11th इज द बेस्ट टाइम, ऐसे इज द बेस्ट टाइम। ये ऐसे का एग्जाम है, इसे ऐसे बोलते हैं, ये सबसे आसान है। 11 में क्वालिफाई करो, अगर आप 11 क्लास में हो तो अभी आपको क्वालिफाई करना चाहिए, अभी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आई एम श्योर तुम सेलेक्ट हो जाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई फॉरेन का बच्चा, बाहर का बच्चा, दूसरे प्लेनेट से बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता, आपके आसपास का कोई एक बच्चा सेलेक्ट होगा।
तो विदाउट एनी यू नो कि टफ एग्जाम है, दो बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, पूरे टाउन में दो बच्चा हुआ, ये सब आपको नहीं सोचना, आपको तो एक सीट लेना है और वो आपको मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 15-15, 60 हो गए सेक्शन वन में, पार्ट वन कहते हैं इसको, एक एक नंबर का 60 मार्क्स ये हो गया, 2-2 मार्क्स के पार्ट बी होंगे तो नेचुरली थोड़े टफ होंगे, 5-5 क्वेश्चंस ईच, तो 20 क्वेश्चन मार्क्स हो गए 40, तो 60 × 40 कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब आ जाते हैं 12th वाले बच्चों का, एसएक्स वाले बच्चों का, देखो यहां क्वेश्चन बढ़ गए, यहां भी बढ़ गए, तो क्वेश्चन हो गए 80 इधर और 40 इधर, 120 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स अगेन ये 1-1 का, ये 2-2 का है, तो टोटल मिला के 160 मार्क्स, ये 100 मार्क्स, ये 160 मार्क्स, इसमें जो क्वेश्चन आए 80, इसमें जो क्वेश्चन आए 120, तो वहां पे 80 क्वेश्चन, यहां 120 क्वेश्चन, वहां 100 मार्क्स, यहां 160 मार्क्स, ये डिफरेंस है। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, सिलेबस एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासतौर पर वो बच्चे जो 11वीं क्लास में है, बट बिलीव मी अगर आप 9th-10th में ठीक से पढ़ाई किया होगा या एनटीएससी वगैरह एग्जाम दिया होगा तो फैमिलियर हो जाएंगे 12th के सारे टॉपिक से। अदरवाइज क्या होता है कि जब बच्चा 11वीं क्लास में आता है, 11th में आता है, तो 11th सिलेबस को पढ़ता है, सीरियसली पढ़ता है वो, और 12th सिलेबस उसको नहीं आता। और इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे आई एम फिजिक्स टीचर, आई कैन टेल यू दिस रिफ्रैक्शन इज इन क्लास 12th, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इन क्लास 12th, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में है, मैग्नेटिक इफेक्ट 12th में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 12th में, रेस्ट आर इन 11th, तो मिक्स ऑफ 11th एंड 12th थोड़ा सा ये बच्चों को डराता है। बट मैं कहता हूं अगर आप 11th में सेलेक्ट हो गए तो आप आसानी के साथ सेलेक्ट हो गए, 12th में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ लिया तो इसलिए आ जाता है। बायोलॉजी का एक पंगा रहता है मैथ्स वाले ग्रुप के बच्चों के लिए, हालांकि देखिए छोटा सा सिलेबस लग रहा है, तो अगर आपको इतना बड़ा कुछ करना है तो 1 महीना 20 दिन 30 दिन आप बायोलॉजी डट के पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई, बच्चा तो इसी प्लेनेट का करता है। तो ये एक सिलेबस हो गया, अब आई थिंक गो थ्रू करेंगे पूरा का पूरा, ये जो प्रेजेंटेशन है हम आपको लिंक भी दे देंगे, आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके बेटा, अब आ जाते हैं सिलेबस, आप ठीक से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये है एसएक्स के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, इसमें भी ऑलमोस्ट मोर लेस देखो वैसे ही है सिलेबस, इसमें भी बायोलॉजी थोड़ा सा आता है, थोड़ा बढ़ गया देख रहे होगे, वहां 6-7 लाइंस में था, यहां 8-9 लाइंस आ गई, तो सिलेबस हो गया। ये हो गया एसबी के लिए जो 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है, तो ये जनरली यहां बातें आते बच्चे कम हो जाते हैं, थोड़ा इजी होता है बिकॉज यहां पे वही बच्चे रह जाते हैं जिनको साइंस में करियर परसू करना होता है। अक्सर देखते होंगे कि जो टॉप ब्रेन बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं या मेडिकल की तरफ चले जाते हैं, तो इनको फेलोशिप मिलना नहीं है। 11वीं में बच्चा इसलिए पढ़ता है, इस एग्जाम को देता है 12वीं में कि इससे उनकी जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी, नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी, या सीरियसली साइंस में जाना है तो उनके पास ऑप्शन होता है। बट 12th के पास वही बच्चे ये एग्जाम देते हैं जिनके पास जो चूज करते हैं साइंस एज ए करियर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें यही लेना है, यहां नहीं तो कहीं और, तो उनके लिए सिलेबस ये है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब कट ऑफ देखते हैं, देखो कितना यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, 75% मार्क्स लिया जाता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट पे, एप्टीट्यूड टेस्ट 25% मार्क्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यू कितना बड़ा रोल प्ले करता है, यू नो 53-55-60-50% ये कट ऑफ है, इंटरव्यू उसमें से करीब 25% का वेटेज है। तो बेटा अगर इंटरव्यू में ही तूने 25% स्कोर कर लिया, व्हिच इज यू नो क्वाइट डिफिकल्ट, तो आपका आधा काम तो आसान हो गया, तो कोशिश करना होगा हमें इंटरव्यू बढ़िया देना होगा। बट यू नो केवीपीवाई का इंटरव्यू ऐसे नहीं होता कि आप कहां से आए हो, पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, क्या जीवन में बनना है, ये सब तो पूछा ही जाएगा। अक्सर देखा गया है कि वो वहां पे आपके नॉलेज को भी चेक करते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बिकॉज उन्हें एक साइंटिस्ट चाहिए फ्यूचर का, तो इंटरव्यू भी उन्हीं का अच्छा होता है जिनकी थ्योरी अच्छी होती है। अब आ जाते हैं, बट हाँ एक चीज और है, अगर आपने 75% में ही 60-65 आपने स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू विल बी फॉर्मेलिटी फॉर यू, और इवन इट इज फॉर टू एनहेंस योर रैंक, रैंक बढ़ाने के लिए होगा। 11वीं वाले बच्चों के लिए 53%, 12th वालों के लिए 55, 12th पास के लिए 50, एंड एस सी एस टी ओबीसी नॉट ओबीसी एस सी एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 42-45-40, उसी रेशियो में कम हो रहा है यहां भी देखो, तो ये कट ऑफ हो गया। कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन को छोटा रख रहा हूं बिकॉज बड़ी वीडियोस जब होती हैं तो आप लोग का इंटरेस्ट कम रहता है। तो कॉलेजेस विच एक्सेप्ट केवीपीवाई स्कोर आर एज फॉलोज,
सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, IISER की कई ब्रांचेस हैं, यू नो 1, 2, 3, 4, पुणे, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, एंड द बेस्ट वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, बेस्ट नंबर वन रेटेड यूनिवर्सिटी, ऑल कॉलेजेस आर वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट साइंस कॉलेज, बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, जैसे IITs को हम बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, एम्स मौलाना आजाद को बेस्ट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, तो इसी तरह से बेस्ट साइंस कॉलेजेस है, रिसर्च कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस में एडमिशन का क्राइटेरिया कुछ और भी होता है, और भी तरीके से इसमें बच्चे जा सकते हैं अगर इसमें फेल होते हैं, बट ये एक बढ़िया विंडो है जाने के लिए। तो ये 7 कॉलेजेस हो गए। अब आप देख सकते हो 2019 का एक छोटा सा एग्जाम्पल, शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू 16, 13, शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू SC/ST 187, PWD से 8, 12th क्लास में 1860, थोड़ा बढ़ गया नंबर, बच्चा अपीयर भी ज्यादा करता है 12th में, 204 एंड देन 4, यहां पे 167, 24, 1, जैसे मैंने बोला 34, 35, यहां 36, 40 है, 415, 1300 क्वालिफाई किया जाता है फॉर इंटरव्यू। कई और सालों के मैं आपको दिखा देता हूं, 2017 का एक सैंपल है मेरे पास, 3755, अब देखो रेशियो यहां 12 ज्यादा हो गए, 1470, 169, ये SC/ST एंड PWD। और कुछ देख लेते हैं, 2016 का देखो, फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए एनालाइज करने का, 11वीं क्लास में 1323 में 877 आए, 1782 में 1520, देखो यहां रेशियो कितना है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए 200-300 को छोड़ के, 183 में 116, 3288 में 2500, 395 में 261, 16 में 11 है। तो ये जो सिलेक्शन रेट है, यानी आप अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो और कोशिश करो वहां इतने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट को असर ना कर पाए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 16 का रिजल्ट था ये, ऐसे 15 का रिजल्ट, 2991 में से फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ, 2328, ऑलमोस्ट 60-70% बच्चा सिलेक्ट हो जाता, 70% भी मान लो। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी का 2014 का रिजल्ट देख लो, 3000 में से 200 कह सकते हो, 2199 है, ऑलमोस्ट यहां भी वही रेशियो मेंटेन्ड है। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई अभी यहां नहीं डिस्कस करूंगा मैं। ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा सेशन, छोटा सा सेशन था, और मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कई कई बार हम लोग जाग जाते हैं, जानते सब कुछ है, बट सामने से अगर हम कुछ देखते हैं तो हमें लगता है हमें करना चाहिए, बट मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा, एक चैलेंज लो, एक टारगेट लो अपने लिए, और कोशिश करो कि KVPY तुम्हारा निकले। मैं बड़ा खुश हूंगा अगर मेरी वजह से KVPY में 10-20-100 बच्चे अगर और ज़्यादा फॉर्म फिल करें इसका, उसमें से एक आध बच्चा निकल जाए, भले ही वो साइंस परसू ना करे, सिर्फ केवल कॉन्फिडेंस लेके जाए कि यार मैं इतने बड़े एग्जाम को सक्सीड किया हूं, तो नेचुरली उसके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं और आपको इनकरेजमेंट देती हैं, आपको एक एक ब्रेवरी साहस देती हैं जिससे आप अच्छे स्टेप ले सकते हो, और आपको वो अच्छे स्टेप लेने से सक्सेस भी मिलेगा। अब सक्सेस के लिए आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, अगर बढ़ोगे नहीं, एग्जाम दोगे नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम ना देने का मतलब आपका रिजेक्शन हो चुका है, एग्जाम देने का मतलब चांस है, अगर आप पढ़ाई करोगे सेलेक्ट भी हो जाओगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट KVPY, आई होप यू लाइक इट, और ऐसे ही मैं एक NTSC का वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपके जूनियर्स होंगे, 9th-10th क्लास के बच्चे होंगे, उनकी 9th से तैयारी उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, वो आप करिएगा और ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।